इंसान का बच्चा लग रहा हूँ ना। ऑल राइट, तो कल मैं मिस मार्वल के करीबन कोई 5 एपिसोड देख के आया हूँ, एंड वॉचिंग मिस मार्वल एज अ पाकिस्तानी द बेस्ट फील एवर। पता बात है कि मैं कराची आइट भी हूँ, तो कोने पे सो आ गया भाई। या फिर ऐसी क्या चीज लेके आती है जो मुझे मिस मार्वल का फैन बना देती है कि यार मैं कहता हूँ यार मार्वल देखो, सीधी बात है यार, मतलब ने कर दिखाया। वो अलग बात है कि तुम हमारी शलवार के नाड़ों के कलर से ज्यादा कलर अपनी फिल्म में डाल देते हो, लेकिन तुमने कर दिखाया यार, बेहतरीन हो। ऐसा क्या है जो मुझे मिस मार्वल पे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कर दिया? सो द रीजन व्हाई आई लव दिस सीरीज इज पाकिस्तान। पहले तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई पहली पाकिस्तानी सुपर हीरो है, पहली पाकिस्तानी मुस्लिम सुपर हीरो है, तो मैं कहूंगा पहला पाकिस्तानी पॉजिटिव कैरेक्टर। वरना अब हॉलीवुड उठा के देख लो, बॉलीवुड उठा के देखो, जिस तरह पाकिस्तान को दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में पोर्ट्रेट किया गया है, यार क्या हो गया। मैं हमारी जिंदगी में वही बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा, ऐसी फिल्म लिखी थी बजरंगी भाईजान, वही रेत मिट्टी पहाड़, उसी के दरमियान पाकिस्तान बना दिया। उसी तरफ दूसरी तरफ ये, मैं अभी कुछ दिन पहले शेरशाह देख रहा था, उसमें ये है कि शेरशाह पहाड़ों पे जा रहा है, ठीक है, वो जो सोल्जर है पहाड़ों पे जा रहा है रियल स्टोरी पे, जो पहाड़ों पे जो पाकिस्तानी रेजिमेंट है वहां से जब कॉल लगती है तो वो पाकिस्तानी बकायदा -23 डिग्री पे, बकायदा -23 डिग्री पे शलवार कमीज में बैठे, रियल स्टोरी बना रहे हो अपने शहीद के लिए बना रहे हो। थोड़ी सी तो नॉलेज रखो ना, किस चीज के पैसे ले रहे हो भाई। या तो 1.2 बिलियन लोग पागल हैं या मैं पागल। और फिर भाई बॉलीवुड की एक और मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसमें भी यही था कि भाई वो जो जासूस भाई हैं हमारे सैल्मन बॉय, वो क्या करते हैं, वो घुसते हैं पुलिस स्टेशन में, घुस गए उन्होंने पुलिस स्टेशन में, घुस के पाकिस्तानी पुलिस में पूरे ऑफिसर्स को मार दिया और फिर वहां से निकल आए। क्योंकि सच बात मैं बताता हूँ और ये बात फैक्ट, जब आपका विलन स्ट्रांग होता है ना, आपके हीरो की भी वैल्यू बढ़ती है और आपकी फिल्म काम भी करती है। लोगों ने अर्तुरल देखा था, वो इस बात से बड़ा रिलेट करेंगे कि पहले सीजन में अर्तुरल में सामने तो था सलेबियों से था। अब सलेबियों में कहा था भाई अर्तुरल नहीं हो, कोनी मारी सलेबी मर गया, हम फिर भी कहते थे वाह यार अर्तुरल तो बड़ा अच्छा सोल जा रहा है। लेकिन जब दूसरा सीजन आया तो वाकई डर बैठ गया। पहले एपिसोड दूसरे एपिसोड में ऐसा डर बैठ गया था कि नोयान की असली शक्ल देखी थी, मंगोल देखे थे, ये देख लिया था कि भाई कोनी लगाने से अब ये लोग नहीं मर रहे, ये लोग टक्कर दे रहे हैं बकायदा। इससे सीजन 2 हिट भी हुआ था और मजा भी आया। तो ये चीजें आपने करनी पड़ी। लेकिन भाई इंडिया तो इंडिया है, क्या करें, पाकिस्तान जो है वो लुल है, वो अभी तक जो है 1960s में 70s में रह रहा है, उसको पता ही नहीं क्या होता है। अच्छा ठीक, इस तरह ये तो बॉलीवुड है, चलो जाने दिया। फिर आते हैं हॉलीवुड पे। अब हॉलीवुड या दूसरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से पेश नहीं किया। जिन्होंने हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, जैसे आयरन मैन 1 में पाकिस्तान किस तरह पेश किया गया था, और दूसरी तरफ भाई हम टेररिस्ट हैं। फिर आता है आपका ये मनी हाइस्ट। मैं अभी कुछ महीनों पहले मनी हाइस्ट भी देख रहा था, तो उसमें भी यही कि सीजन 3 में पाकिस्तानियों को हैकर बना के दिखाया। अब अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तो क्या हो गया, सपोर्टिव थे, सपोर्ट दिखाई थी पाकिस्तानियों को, दिखाया था कि पाकिस्तानी हमदर्दी रखते हैं, पाकिस्तान को पोर्ट्रेट। भाई बात सुन, पाकिस्तानी हैकर्स का रिकॉर्ड है कि उन्होंने दुनिया की हैकिंग इंडस्ट्री पे छाए। जिनको नहीं पता, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस तक पाकिस्तानी ने बनाया था, और पाकिस्तानी हैकर क्या क्या चीजें हैक कर चुके हैं ये तुम लोगों को उसके नाम भी नहीं बताऊं। पहली बात, पाकिस्तानियों को ऐसा हैकर दिखाना ये कोई हुबुल वतनी नहीं थी, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडा। वो इंडिया को नहीं दिखा सकते थे कि इंडियन हैकर्स की बात हो रही है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने आईटी में बहुत कंट्रीब्यूट, पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन लुल। पाकिस्तान को गलत दिखाने में हॉलीवुड भी आ गए, बॉलीवुड भी आ गए। फिर आता है नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज स्क्विड गेम। यार इसमें मैं बड़ा खुश हुआ था कि पाकिस्तानी को एक नर्म दिल इंसान दिखाया जो बाहर मुल्क आगे सफर कर रहा। पर यार देखो सीधी बात बताऊं, ये रिंग लाइट रखी है, ठीक है, मुझे पता है इसका क्या मतलब है, ये इसको रिंग लाइट कहते हैं, ये मोबाइल है, ये मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसे मोबाइल कहते, ये ट्राइपॉड इसे ट्राइपॉड कहते। अबे ये कहाँ की लॉजिक है, ये तो मार्बल का गेम है, कंची कैसे खेलते हैं, लूडो क्या होता है। अबे भाई तू क्या करने आया है पर कोरिया, इतनी तो बंदा खुद भी सेंस रखे यार। मतलब भाई हम ठीक है, हम अच्छे दिल के, लेकिन जाहिल नहीं है यार, कुछ चीजें हमें पता है कि हम कहाँ है। इंग्लिश बोलनी आ रही है, ये नहीं पता इंटरनेट क्या है। और मिस मार्वल यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स ले गए, मतलब इस तरह के। यार देखो मैं, मुझे स्टोरी में इतना इंटरेस्ट खासा नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी ये बार बार देख रहा था कि अबे तीन तलवार, अबे बसूरी बज रहा है, अबे चिंची W11 अपनी। यार ये चीजें मैं बार बार देख रहा था कि यार कि मुझे तो बार बार सीन्स में इंटरेस्ट हो रहा था, डायलॉग्स में इंटरेस्ट हो रहा था कि अभी ये बार बार उर्दू बोल रहे हैं, बार बार उर्दू बोल रहे हैं, यार ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अब स्टोरी वाइज अगर मैं किसी चीज को देखूं तो ये बाहर मुल्कों में और यहां फेल भी इसलिए ही हुआ है क्योंकि आपने डायरेक्ट मून नाइट के बाद फौरन से मिस मार्वल निकाल के दे दी। एक और कंसर्न टेक मुझे था कि यार ये लोग इस्लाम को किस तरह पोर्ट्रे करेंगे। मतलब ऐसी भी सीरीज है जिन्होंने इस्लाम को इस तरह दिखाया कि इस्लाम जो है ना वो बिल्कुल पिंजरा है, वो बिल्कुल ना बंद कर देता है एक इंसान को, वो किसी को ये नहीं करता, तू ये ना कर, वो वाला मजा पहले। एक और बार हेड्स ऑफ, दो एपिसोड तक यही होता रहा कि यार हमें हिजाब नहीं करना, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन फिर उस सीरीज में ये बताया कि हिजाब एक पहचान देती है एक औरत को, और यार मतलब मैं बेहतरीन हो गया यार। ये इस तरह तो पाकिस्तानी ड्रामे तक पोर्ट्रे नहीं कर सकते पाकिस्तान को, जिस तरह इन्होंने पोर्ट्रे कर दिया, गोरों ने पोर्ट्रे कर दिया। तीसरा जो जिस चीज ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया वो ये कि हमारे एक्टर्स प्रोफेशनल, उनको सिर्फ एक अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत, उनको एक
अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए ना, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो कोप अप करने में देने लगाते। 3 एपिसोड्स देने हुए महवेश हयात को आए हुए इस सीरीज में, और मैं पोस्ट देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि महवेश हयात को गैल गैडोट से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं वंडर वुमन से रिप्लेस कर दो। अबे भाई, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कहते हैं ये बड़े बेशर्मों वाली सीरीज है और इसमें लोगों को ये जो शादी वाला सीन दिखाया, औरतें नाच रही हैं और ये वो। यार सीधी बात है, जब आप अमेरिका में होते हो ना, अमेरिकन मुस्लिम्स का यही कल्चर, वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स पे बात आई तो पाकिस्तानी मुस्लिम, वहाँ ऐसा कोई सीन शूट नहीं किया गया, वहाँ ये नहीं, वहाँ चिंची दिखाई गई, डब्ल्यू यार दिखाई गई, वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं दिखाया गया, ये वाली बात होगी। तो पाकिस्तान कॉन्शियस है इन चीजों को लेकर, कपड़ों को लेकर, अमेरिकन मुस्लिम्स इस बारे में कोई कॉन्शियसनेस नहीं रखते, वो यही करते हैं कि जो बंदा घुल मिल रहा है वो घुल मिल जाए। तो इस बात को जरा लोग सीरियसली लें, वरना तो आप बुलबुल देख लें आप जाके, मेमू साहब करें, ये चीजें आपके बस की नहीं। तो ये सीरीज पैसा बना के क्यों नहीं दे रही है? अगर मार्वल का मेन टारगेट पाकिस्तानी ऑडियंस था तो मार्वल को चाहिए था कि पाकिस्तान में डिज्नी प्लस लॉन्च करते, डिज्नी प्लस लॉन्च कर। अबे भाई, सिनेमा में चलाने से आज रहेगा कल नहीं। अब किसी को अगर एपिसोड 1 देखना है तो वो सिनेमा थोड़ी जाएगा, मतलब एपिसोड 3 और 4 चल रहा होगा इस वक्त। इसलिए मार्वल को चाहिए था कि पाकिस्तान में ये लोग डिज्नी प्लस लॉन्च करते और उससे पाकिस्तान में इसकी मार्केट और बढ़ती। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बावे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ना नेटफ्लिक्स आना, ना अमेजोन प्राइम, ना डिज्नी प्लस। इस पर हम कभी बात करेंगे और कभी ये दिन हमें देखने को मिले। लेकिन अभी मुझे ये सीरीज बहुत पसंद आई और अभी तो एपिसोड 6 इसका नहीं आया, पर आई एम होपिंग बहुत जल्द आए। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, लेकिन प्लीज बताना तुम लोगों की सीरीज में क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, और तुम लोगों के सीरीज में क्या पसंद आया। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।